प्रतिभा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओट्स और राजमे का उपमा। इसको बनाने के लिए हमें इन सामग्रियों की ज़रूरत है। एक कटोरी ओट्स लेंगे और आधी कटोरी पानी और एक दो चम्मच तेल ले लेंगे और एक टमाटर, एक प्याज, आधा कटोरी राजमा, स्वाद अनुसार नमक और तड़के के लिए हमें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा करी पत्ता, एक हरी मिर्च और आधा चम्मच चीनी। अब हम बनाएंगे ओट्स का उपमा। देखिए अब मेरा ये फ्राई पैन जो है ये गर्म हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे तेल। दो चम्मच तेल डाल देंगे इसमें। अब तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। इस तरह से तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें तेल गर्म हो जाएगा, जीरा राई को डालेंगे और करी पत्ते को, हरी मिर्च को डालेंगे। अब हम जीरा को डालेंगे। देखिए इसमें जीरा डाल दिए और ये राई डाल दिए हैं और ये एक हरी मिर्च और करी पत्ता, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा तलेंगे। इसलिए इसमें तल दें इसको हल्का सा, डालेंगे इसमें। इसके बाद प्याज, हल्का सा प्याज जब ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम टमाटर डालेंगे। देखिए ये हमारा प्याज जो है ये हल्का ब्राउन हो रहा है। देखिए जब ये प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम टमाटर को डालेंगे। ये ओट्स का उपमा बहुत ही हेल्दी होता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सबको बहुत ही फ़ायदा करता है। इसे हम सुबह के नाश्ते में खाएं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए मेरे टमाटर की प्याज जो है हल्का फ्राई हो गया और इसमें हम टमाटर को डालेंगे। अभी टमाटर को हम थोड़ा सा इसमें पकाएंगे। देखिए ये टमाटर जो मेरा है ये थोड़ा सा जब पक जाएगा तब इसमें हम ओट्स को डाल के उसके साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। ये टमाटर मेरा हल्का सा इसमें पक रहा है। देखिए ये टमाटर जो है मेरा ये अच्छी तरह से पक गया है और प्याज भी मिल गए हैं। अब इसमें ये राजमा को जो हम बॉयल करके रखे थे इसको इसमें मिला देंगे टमाटर में। देखिए इसको हम इसमें अच्छी तरह से इस तरह से हल्का सा एक मिनट हल्का सा थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको भी मिला के इसमें राजमा को, बॉयल तो है ये पका हुआ है। देखिए इसको हम इस तरह से इसको मिलाएंगे। अब उसके बाद इसमें हम डालेंगे ओट्स को। ये ओट्स को इसमें डाल के इसके साथ हम इसको एक मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। एक मिनट के हल्का सा इसको हम इसके साथ में राजमा, टमाटर और प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता, जीरा, राई, इस सब में इसको हम अच्छे से इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हम ओट्स को ऐसे मिला देंगे। ये हमारा ये इसमें मिला। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें ये थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ओट्स के उपमा को आप लोग जरूर बनाइए। ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी है। इसको हर कोई खा सकता है, सबको ये बहुत फ़ायदा करता है। ये सुबह के नाश्ते में इसको ज़रूर बनाइए। देखिए अब ये मेरा इसमें ये मिल गया ये सब। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत गीला भी नहीं करेंगे, इतना पानी डालेंगे ताकि ये इसमें अच्छे से मिल जाए। देखिए अब इसको हम इसमें देखिए हम इसको हम इसमें अच्छी तरह से ओट्स को हम इन सब में, राजमा में, टमाटर, प्याज सब में इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और बाद में हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। हल्दी से चीनी इसमें डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। देखिए अभी सबको हम इसमें मिला देंगे और इसको देखिए अच्छे से मिल गया। देखिए ये राजमा और ओट्स का उपमा बनके तैयार हो गया है। इसको आप ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए खिलाइए। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही जल्दी बन जाता है।
अब मेरा ये तैयार हो गया उपमा। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं, इसको सर्व करते हैं। देखिए मेरा ये ओट्स और राजमे का उपमा बन के तैयार हो गया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।